नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं प्रयागराज.com। यह दोस्तों गोवा इंडिया का सबसे बढ़िया जगह है, जहाँ पर घूमने के लिए बहुत से लोग, जाने के लिए बहुत से लोग तरसते हैं। और वहीं पर अगर आपको जॉब मिल जाए, वो भी परमानेंट जॉब, यहाँ दोस्तों गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो यहाँ से निकली हुई है पैरामेडिकल की बम्पर वैकेंसीज के अलावा भी नॉन पैरामेडिकल स्टाफ की भी वैकेंसीज निकली हुई है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ इस वेबसाइट पर, इस वीडियो में। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स, GNM, NM, BSc नर्सिंग, फार्मासिस्ट की, इस टाइप की जितनी भी वैकेंसीज है 2021 की निकल चुकी है। लास्ट डेट 20 अप्रैल 2021 है। ऑफलाइन फॉर्म है, ऑल इंडिया जॉब है, तो कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट आप यहां पर देख सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे। और इसका लिंक मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन हर जगह शेयर है, आप वहां से भी जाके ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, इसकी नोटिफिकेशन वगैरह। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको आना है वैकेंसी के ऊपर और क्लिक कर देना है वैकेंसीज के ऊपर। उसके बाद आपको सबसे टॉप पर एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2021 यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, तो अब आपको क्या करना है, इसका नोटिफिकेशन पढ़ना है, तो इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका PDF फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ से आपको इस PDF फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये पैरामेडिकल स्टाफ की ढेर सारी वैकेंसीज के अलावा भी यहाँ पर है। पहली वैकेंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 222 पोस्ट है। जनरल, OBC, SC, ST वैकेंसी डिटेल, वो सारा सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए पे स्केल 18,000 रुपये है। इसके बाद आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहां पर देख सकते हैं कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए पास्ड सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट। तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके साथ ही और भी क्वालिफिकेशन है जिसे आपको रीड करना होगा। उसके बाद दूसरी वैकेंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टोर कीपर की है। 5 वैकेंसी है। UR, जनरल और OBC के लिए पोस्ट यहाँ पर दिखाया गया है। 25,500 रुपये आपकी सैलरी होगी। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल सेकेंडरी सीनियर कॉम्ब्रिज और इक्विवेलेंट, ये आपके पास वैकेंसी होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आपको होना चाहिए। तो इसके साथ ये क्वालिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आइए अगली वैकेंसी देख लेते हैं। यहाँ पर अगली वैकेंसी देखेंगे तो लोअर डिविजनल क्लर्क की है और 74 पोस्ट है। साथ में जनरल, OBC, SC, ST और PWD, जितने भी यहाँ पर कैटेगरी है उसमें क्या कितनी वैकेंसीज है वो भी आप देख सकते हैं। इसकी सैलरी 19,900 रुपये है। साथ में आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन इसकी देख सकते हैं। देन आप अब आके देख सकते हैं मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क की है, तो यहाँ पर भी आप 13 वैकेंसी देख सकते हैं। 19,900 आपकी सैलरी है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लीजिए और इसके साथ में आपका क्वालिफिकेशन। देन जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर 1 पोस्ट है, URL के लिए है, मतलब जनरल के लिए है। 25,500 वैकेंसी है और साथ में आप यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी रीड कर सकते हैं। ड्राइवर की वैकेंसी है। इसी तरह नॉन टेक्निकल, नॉन पैरामेडिकल स्टाफ की है। पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी आती है नंबर 7 से। जहां पर मैं बात करता हूँ स्टाफ नर्स की, स्टाफ नर्स की बात करता हूँ तो 377 पोस्ट है। जनरल, OBC, SC, ST, EWS, PWD, ये सारी वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं और सैलरी बहुत ही अच्छी है। 35,400 रुपये आपकी सैलरी है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ कि आपके पास JNM की होनी चाहिए या फिर आप BSc नर्सिंग की होना चाहिए। उसके बाद आपको महाराष्ट्र की लोकल भाषा आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको ज्ञान इसका भी होना चाहिए। तो ये है सर्टिफिकेट, आप इसका क्वालिफिकेशन भी देख लीजिए। उसके बाद ANM के लिए, वो तो JNM के लिए था, ANM की वैकेंसी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। 19,900 रुपये इसकी सैलरी है। टोटल पोस्ट 3 है, जनरल के लिए है ओनली। और इसके साथ ही आपके पास क्या है, रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट नर्सिंग सर्किल की सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए। साथ में SSCG विद वन या हाफ ईयर ट्रेनिंग कोर्स आपके पास, आपके पास डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो ये है ANM के लिए। इसके साथ में और 9वें नंबर पे भी आप देख सकते हैं, जो मेन मेन है उनको मैं देख लेता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ।
दसवें नंबर पर अगर आप देखेंगे तो फिजियोथेरेपिस्ट की है। नौ पोस्ट है जनरल एससी ओबीसी के लिए, जनरल एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पर पोस्ट आप देखने के मिल जाएगा। 29,200 वैकेंसी है और इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी सीनियर कैम्ब्रिज भी साइंस सब्जेक्ट्स और इक्विवेलेंट डिप्लोमा फिजियोथेरेपिस्ट फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, इसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद देखिए स्पीच थेरेपिस्ट की भी है, आप यहाँ पर थेरेपिस्ट की भी देख सकते हैं। 29,000 सैलरी है, तीन पोस्ट है जनरल के लिए, बीएससी इन स्पीच थेरेपी एंड ऑटोलॉजिस्ट फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद मेडिको सोशल वर्कर की भी वैकेंसी है, 29,000 है जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एसटी के लिए वैकेंसी निकली हुई है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है आप यहां से रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं अगर वन बाय वन एक एक चीज पढ़ने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली हुई है 13 नंबर पर। उसके बाद और भी है, ऑथोराइज्ड असिस्टेंट की है, जूनियर टेक्निकल जूनियर टेक्नीशियन की भी वैकेंसी निकली हुई है। मैं फार्मासिस्ट की एक्चुअली ढूंढ रहा था, ये रहा 18वें नंबर पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है और 17वें नंबर पर रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली हुई है। तो जिसमें भी आपका रिज्यूमे सेट होता है वो देख सकते हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट के लिए 18 पोस्ट है और रेडियो टेक्नीशियन के लिए 7 पोस्ट है। जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए अगर आप देखेंगे तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे फार्मासिस्ट के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो डिप्लोमा इन फार्मेसी फॉर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ आप देख सकते हैं, डिग्री इन फार्मेसी फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शुड बी रजिस्टर विद द स्टेट सर्किल ऑफ फार्मेसी। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ईसीजी टेक्नीशियन की भी वैकेंसी निकली हुई है। देन 20वें नंबर पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पोस्ट वगैरह आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन की भी वैकेंसी निकली हुई, 7 पोस्ट है जनरल ओबीसी के लिए वैकेंसी है, 25,500 रुपये इसकी सैलरी है। उसके बाद देखिए डायलिसिस टेक्नीशियन की भी वैकेंसी निकली हुई है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ढेर सारी अच्छी वैकेंसीज निकली हुई हैं, इसका आप क्वालिफिकेशन रीड कर लें, पढ़ लें। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताएं, कुल 23 पोस्ट हैं और इसके साथ पोस्ट तो 23 है, साथ में सभी के अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है। तो बम्पर वैकेंसी है, इसमें आप ना चुके फॉर्म भरें, और ऑफलाइन होने वाला है, जो भी आपका इसमें फॉर्म भरा जाएगा तो ऑफलाइन भरें। आप देखिए जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, अगर इसको यहाँ पर देखें, कैंडिडेट शुड बी अप्लाई फॉर द डिसाइडेड पोस्ट गिविन फॉलोइंग डिटेल्स। अब यहाँ पर देखिए जो भी इसमें पोस्ट आप कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं, गिविंग फॉलोइंग डिटेल। अब जो फॉलोइंग डिटेल है इसमें क्या है, आपको नेम देना है, कैंडिडेट का नाम देना है। यहाँ पर समझने की कोशिश करना क्योंकि यहाँ पर ये ऑफलाइन फॉर्म है, कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। नेम कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम होना चाहिए, देन एड्रेस हो, डेट ऑफ बर्थ हो, अपर एज लिमिट इज 45 ईयर, आपका जो ज्यादा से ज्यादा एज है वो 45 वर्ष होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट, तो जो आपको इसके साथ आपको रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपको आपके सर्किल में आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, जनरल ओबीसी एससी एसटी, आप किस कैटेगरी में हो ओबीसी वगैरह में, तो वो आपको बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपके रिज्यूमे में। उसके बाद नेशनैलिटी, आप इंडियन हो नहीं हो, मोबाइल नंबर, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन की मैं बात करता हूँ। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वैलिड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड, वैलिड केस सर्टिफिकेट एंड वैलिड 15 ईयर रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड, आपके पास आपका रेजिडेंस का जो वैलिड होता है जिसे वोटर आईडी कार्ड वगैरह कहते हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए कंप्लीट अथॉरिटी के साथ। देन आपको क्या करना है, एप्लीकेशन शुड आल्सो कैरी कैंडिडेट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कम से कम 4 होने चाहिए। लास्ट डेट रिसीव फॉर एप्लीकेशन 20
20 अप्रैल 2000, मतलब जो आप इस एनवेलप में सारा डॉक्यूमेंट आप डालोगे वो आपको जिस एड्रेस पर, मैं एड्रेस में बता दूंगा, भेजना है, और उस एड्रेस पे आपको 20 अप्रैल 2021 तक आपको ये फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, मतलब उनको रिसीव हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है रिसीव आफ्टर 20 अप्रैल 2021, इससे पहले उनको रिसीव हो जाना चाहिए। तो वो एड्रेस कौन सा है, तो एड्रेस ये है। हालांकि इस एड्रेस को मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अलग से, आप इस एड्रेस पे अपना जो ये अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बड़े बड़े शब्दों में एक A4 साइज पेपर में लिख के अपने सारे डॉक्यूमेंट, अपनी फोटो, अपना सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्ट करके सब कुछ भर के, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ भर के आपको किस एड्रेस पे भेजना है, इस एड्रेस के ऊपर आपको भेज देना है। इफ कोई क्वेरी होती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं अवेलेबल हूँ मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे ट्विटर अकाउंट पर, और इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। कोई भी जानकारी इसके अलावा, इससे रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते, इससे मुझे थोड़ा सा सैड फील होता है, तो प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर लिया करो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई अपडेट के साथ, किसी नई जॉब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।